हेलो दोस्तों, सब नोट प्यार जुड़े। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पेनी स्टॉक का बात करेंगे और पेनी स्टॉक लाए उसके बाद बात करेंगे क्या रहेगा टारगेट और क्या है हम लोग का नजरिया, क्या है आगे का व्यू। और देख सकते हैं कि चार्ट पर आप लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा होगा, तो यही हम लोग को टाइमिंग पकड़ना है। टाइमिंग पे अगर पकड़ते हैं तो हम लोग को अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग का बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लेके आए हैं, HCC आप लोग सर्च कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर हम लोग को ब्रेकआउट दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से मार्केट के दौरान जी हाँ सो करेंट मार्केट प्राइस भी बाय करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हम लोग को अगर जी हाँ सो डीप मिलता है, लेकिन मिलना तो नहीं चाहिए, अगर डीप मिलता है हम लोग को तो हम लोग लगभग 14 के आसपास जहाँ से फिर से ऐड कर सकते हैं। और ज्यादा क्वांटिटी हम लोग को ऐड नहीं करना, ओवरफ्लो नहीं करना है, बस स्मॉल सा 2000 से 5000 के बीच में का रिस्क लेकर चलना है उसको लॉन्ग टर्म के लिए। और देख सकते कंस्ट्रक्शन स्टॉक है, तो आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसको हम लोग 5 से 10 साल के लिए अगर 5000 भी 4000 3000 जो भी आप लोग अमाउंट हो सकता है लगाकर इसको रखेंगे तो अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। लगभग हम लोग इसको 100% का रिटर्न का गारंटी रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे। जी हाँ सो गारंटी नहीं बोल सकते, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इसी का हम लोग बात करेंगे, क्या रहेगा टारगेट वगैरह, और देख सकते हैं जो ब्रेकआउट हुआ उसी के तहत पे हम लोग बात करें ना कि अपने नजरिया से क्या किसी भी तरह का लेकर आया। तो पेनी स्टॉक है, उसी हिसाब से पैसा लगाइएगा जितना आप लोग उसमें लॉस देख सके। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि नीचे जब काफी गिरावट के बाद देख सकते हैं काफी गिरावट के बाद अच्छा खासा बेस बनाते हुए धीरे 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 अपसाइड की ओर निकल रहा था। थोड़ा सा इसको हम लोग मंथली चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या इसका चार्ट वगैरह का व्यू। देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पे अभी नीचे से मतलब कि उठना ही चालू किया है। अगर हम लोग 25 पे भी उठाते तो हम लोग का लगभग छोटा सा टारगेट 42 के आसपास तो आ ही जाएगा। उसके बाद अगर डबल की बात करें तो 50 के आसपास का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा इजिली। लेकिन हम लोग का टारगेट हो सकता है 75 तक भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग को टारगेट आराम से पैसा डबल इसमें हो सकता है, लेकिन ज्यादा रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। ज्यादा 2 से 5 हजार के बीच में जो भी हो रिस्क लेकर चलेंगे, थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो जी हाँ थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो भी और ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर जो 50-100% के आसपास का जो रिटर्न है वो हम लोग को इजिली मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह का हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है। बाकी अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह जो देते रहते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होता है। देख सकते हैं कि व्यूज ये अगर निफ्टी 250 के आसपास से घूम जाएगा तो यहाँ से अगर स्टॉक आप लोग नहीं उठाए होंगे तो देख सकते हैं स्टॉक वगैरह हम लोग दिए प्राइवेट चैनल में। तो ये सब स्टॉक खोजकर बहुत अच्छे अच्छे शेयर, कुछ पेनी स्टॉक भी है जो फंडामेंटल लॉजिक के साथ जो कि टेलीग्राम पे दिया गया है इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से निफ्टी पलट जाता है तो आप लोग को ये सब स्टॉक मिस हो जाएगा और पैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन कैश है तो जरूर पैसा डालिए एक बार के लिए, फिर थोड़ा सा अगर मार्केट गिरता है थोड़ा बहुत और नीचे आता है अगर 19,000-18,800 के आसपास तो और पैसा डालिए वहां पर और वहां से बस होल्ड करके रखिए, क्योंकि मार्केट में एक रैली जरूर आने वाली है और उस रैली में पैसा बनेगा। भी बहुत सारे स्टॉक जो चले नहीं है लेकिन अभी चलेंगे। जी हाँ, तो बहुत सारे स्टॉक अभी चले नहीं है तो बहुत सारे स्टॉक चलना है, तो इसी कारण से आप लोग को बोल रहे हैं बार बार के स्टॉक को मिस मत कीजिए। जहां तक हो सके स्टॉक को उठाइए, स्टॉक को उठाकर रखिए पोर्टफोलियो में, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद पैसा बनने वाला है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन आप लोग के सामने लॉजिक के साथ पेश किए हैं, उसी तरह से हम लोग और सारे स्टॉक जो भी स्टॉक देते हैं उसी लॉजिक पे कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, क्या ब्रेकआउट है नहीं है, सब चीज के साथ साथ आप लोग को लाते हैं जिससे आप लोग को पास लर्निंग मिले, उसके बाद अर्निंग तो होना ही। जी हाँ, लर्निंग हो गया उसके बाद अर्निंग होना है। तो इस तरह से आप लोग सीख भी सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं और यहाँ सो कन्विक्शन भी बना रहेगा कि क्या हम लोग का टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट 2400। तो अगर ज्वाइन होना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज कर सकते हैं शेयर मार्केट जोन पर। यहाँ से आप लोग को 2500 में लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल जाएगा, फिर जहाँ कुछ नहीं करना होगा, फिर आप लोग को मेंबरशिप मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग जो भी हम लोग देंगे उसको उस तरह से फॉलो करना है, बाकी लर्निंग जो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और बाकी देख सकते फीडबैक वगैरह आता ही रहता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप लोग को साथ में कराया जाएगा प्रॉपर हैंडलिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ साथ उसी तरह से हम लोग ट्रेडिंग में वर्क करते हैं, सभी तरह से पैसा बनाते हैं। जी हाँ, जहां मौका मिलता है वहां आप लोग को पैसा बनवा कर देते हैं। उसी तरह से LTTS भी देख सकते दिए थे आप लोग को, देख सकते जब ऊपर गया था मार्केट उसके बाद नीचे रिट्रेस करने के आ जाता था, 4000 के आसपास आप लोग को दिए थे, उसके बाद मार्केट 4300 के आसपास गया। तो इस तरह से अगर कन्विक्शन है, लॉजिक है, नहीं लॉजिक है, टारगेट है, तो आप लोग पैसा बना सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ तरह का है तो कुछ नहीं बना पाइएगा। जी हाँ, उसी तरह से देख सकते हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जील दिए थे आप लोग के सामने 190 पे जाकर, देख सकते हैं इस तरह का ट्रेंड लाइन में 190 पे निकला था ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट ने 219 से 240 का इजली टारगेट दिया और आराम से 270-280 के आसपास भी गया, क्योंकि एक ब्रॉक डील हुआ था। तो इसी तरह से स्टॉक हम लोग लॉजिक पे देते हैं, जाकर चेक कीजिए, बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, पैसा बना रहे हैं,
बाकी की अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉर्ज के लिए फ्री से और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आप लोग को और भी स्टॉक वगैरह आएगा तो यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ से मिलते अगले वीडियो तो बने बने, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाय बाय।